मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर आक्रोश है। लोगों ने कहा है कि जल्द ही मूर्ति हटाई जाए, अगर साईं बाबा की मूर्ति नहीं हटाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फर्रुखाबाद के रेलवे रोड स्थित महाभारत कालीन पांडेश्वर नाथ मंदिर में लगी साईं बाबा की प्रतिमा पर बड़ा बवाल देखने को मिला है। जिस तरीके से भाषा ऋषि श्रम के महंत ईश्वरदास का बड़ा ऐलान सामने आया कि पांडेश्वर नाथ मंदिर में लगी साईं की प्रतिमा को हटाने के लिए मंदिर प्रशासन कमेटी ने कहा है कि जल्द इस मूर्ति को नंदेश्वर नाथ मंदिर से हटवा दें, नहीं तो महाराज ईश्वरदास निसंत बड़ा आंदोलन करेंगे और 3 से 4 दिन के अंदर प्रिया मूर्ति नहीं हटी तो पांडेश्वर नाथ मंदिर में धरना प्रदर्शन करेंगे। ईश्वरदास महाराज ने बताया कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियाँ है, कोई भी सनातनी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा है वो व्यक्तिगत मंदिर बनवाकर मूर्ति लगवाएं। ईश्वरदास महाराज ने साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया किसी भी मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, बार बार कुठाराघात सनातन धर्म पर होता, यदि ऐसा हुआ तो मस्जिद और चर्च में क्यों न लगाई जाए। साईं की मूर्ति जहाँ देखो वहाँ बार बार सनातन धर्म के मंदिरों में अपमान होता है। हमारे आचार्य हमारे अवतार के पास जिन्होंने साईं मूर्ति लगवाई है उनके प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अमल करें, अन्यथा की स्थिति में धरना देने पर बाध्य होना पड़ेगा। अभिषेक कटियार, फर्रुखाबाद, समाचार 24। जी आपका क्या नाम है, आप कौन से मंदिर के पुजारी हैं? मैं राजेश शर्मा पुजारी पांडेश्वर नाथ शिवालय फर्रुखाबाद। ये कितना पुराना मंदिर है और इसकी क्या मतलब जो है कहानियां है, कहानी रही है, और इसमें जो है एक विवाद चल रहा है जिस तरीके से महंत ईश्वरदास महाराज ने एक मामला उठाया है कि इसके अंदर जो साईं बाबा की प्रतिमा है इसको हटाना चाहिए, पूरा मामला बताइए क्या है? देखिए ऐसा महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर पांडेश्वर नाथ पांडवों के द्वारा जिसमें युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित है और प्राचीन काल से ही पांडेश्वर नाथ की ही प्रतिमा केवल थी, केवल केवल पांडेश्वर नाथ की ही प्रतिमा थी। उसके बाद अन्य मंदिर बने जिस टाइम साईं बाबा का बड़ा वर्चस्व था और बड़ा उनका नाम था, उस पीरियड में ही सामने के एक वर्मा लोग हैं, उन्होंने मूर्ति की स्थापना कराई थी और उसमें किसी ने विरोध भी उस टाइम नहीं किया, उनका चर्मस्थ था, चर्म सीमा थी उस टाइम उनके और सब उनके भक्त थे। लेकिन हालांकि हम उनके पक्ष में कभी रहे ना आज भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किस तरीके भाई प्रतिमा को गलत करने से उठा करके साईं धाम मंदिर जो घटिया घाट रोड पर बना हुआ है वहाँ जाकर अपनी स्थापना करने विवाद खत्म हो जाए। कई लोगों ने हमसे कही आके, कई भक्तों ने हमसे आके इस बात को कहा भी कि भाई साहब साईं मंदिर तो हमने कहा वैसे कमेटी वालों ने स्थापित कर हम क्या कर लें। अच्छा फिर जिस टाइम स्थापित हुआ तो सब लोगों ने उसकी वाहवाही करी, कोई विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं मिला हमें, कोई कोई विरोध करता उनका कि भाई नहीं हम भाई संत का जो है मंदिर बने, भगवान का मंदिर बने अच्छा लगता है। आप क्या वो संत है कि नहीं है जो तो वो जाने उनका काम जाने नहीं, उन्होंने तो संत नहीं बताया, इनका नाम कुछ और बताया, चांद मियां बताया गया, चांद मियां बताया गया, हमने बहुत पहले सुना भी साईं बाबा ने चांद मियां कहा गया है। अब वो चांद मियां से साईं बाबा बन गए, अब साईं बाबा में दो दो थे, एक एक बाबा पता नहीं जिंदा है मर गए नहीं पता नहीं भाई, एक साईं बाबा दूसरे तैयार हो गए थे बड़े बड़े बाद वाले। तो उनका नाम है, इसमें आपका क्या कहना है? जो हमारा कहना ये जो प्रतिमा है उसको उठा करके और साईं धाम जो रेलवे घटिया घाट रोड पर बना हुआ है वहां पर स्थापित कर दी जाए, इस मंदिर से हटा दिया जाए।